स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। केटरर्स से कह देना कि हम टेस्टिंग के लिए आ जाएंगे, ओके? एवरीथिंग शुड बी रेडी। थैंक्स। अरे शगुन, दिस इज कोहली। कैसी हो? कितने दिन से एनजीओ भी नहीं आ रही। हाँ, वो एक्चुअली मेरी बेटी की शादी है तो उसी के प्रेपरेशन चल रहे हैं। इनफैक्ट ये मेरी बेटी का ससुराल है तो यहीं आए थे सारी अरेंजमेंट्स करने। ओह वाओ, हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस शगुन। थैंक यू। मैंने सुना तुम अभी केटरर से बात कर रही थी ना? या लगता है बिग फैट इंडियन वेडिंग होने वाली है। नो नो, बहुत ही सिंपल वेडिंग है एकदम। इट्स नॉट अ बिग फैट वेडिंग। शगुन, हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ था ना कि आलिया का लहंगा हमारे घर से आएगा, तो तुमने कैसे वो लहंगा खरीद लिया, वो भी इतना महंगा? 15 लाख रुपए का लहंगा है वो। 15 लाख का? तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमें 50-50 करना था एक्सपेंस? तुमने बात भी नहीं की, डिस्कस भी नहीं किया और ले लिया। और वो बात तो अलग है, तुमने हमसे झूठ कहा कि 2.5 लाख रुपए का लहंगा है, पर 15 लाख रुपए का? इतना महंगा लहंगा कौन लेता है? 15 लाख रुपए में तो किसी के बच्चे के स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है 4 साल की। इतना खर्चा कर दिया तुमने? ओह माय, तुमने 15 लाख का लहंगा खरीदा है अपनी बेटी के लिए फॉर वन नाइट? अब वो 15 लाख का नहीं है। शगुन, तुम मुझसे सच कह देती तो मैं कौन सा शादी में आ जाती। सिंपल वेडिंग कहकर तुमने गेस्ट तो कम कर लिए, कम से कम अपने रिश्तेदारों से तो सच कहो। नो एक्चुअली मिसेस कोहली, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कब से कह रही हो चुप करो, रिलैक्स करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। किसी के भी सामने तुम्हारे लेक्चर शुरू हो जाते। मिसेस कोहली क्या सोचेगी? हाँ, देखिए तुम झूठी हो। हाँ बोला मैंने झूठ। इशिता, मैं तुम्हारे साथ और क्या करती? जस्ट टेल मी, अगर मैं तुम्हें सच बताती तो क्या तुम मुझे आलिया के लिए इतना महंगा लहंगा लेने देती? नहीं ना, हर चीज में तुम शुरू हो जाती हो, तुम्हारे लेक्चर कभी खत्म ही नहीं होते। व्हाट एल्स कुड आई डू? एंड लिसन, मैं जानती हूँ कि इस शादी को लेकर हमारे व्यूज बहुत ही अलग है, लेकिन हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। सिंपल वेडिंग चाहिए, ये चाहिए, हर बार तुम चिक चिक करती हो, बट इट्स नॉट डन। एंड आलिया मेरी बेटी, अडॉप्ट किया मैंने उसे। अगर मैं अपनी बच्ची के लिए एक डिजाइनर लहंगा लेना चाहती हूँ तो व्हाट इज द बिग डील? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर बार शुरू हो जाती हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यार। चुप्पी, आई डोंट थिंक हमें शर्मा को ये सब बताना चाहिए था। मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ तो होने वाला है। आई एम श्योर उनकी लड़ाई होगी। इज इट अ कंपटीशन फॉर यू? कोई कंपटीशन हो रहा है कि कौन कितना ज्यादा खर्चा कर सकता है? ये मेरा तुम्हारा क्या है शगुन? हमारे बीच में मेरा तुम्हारा कहां से आ गया? बनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो परसों रही हूँ मैं मणि के साथ। आलिया को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि मणि भी इतना अफोर्ड कर सकता है। 15 लाख रुपए इज टू मच। इतने में इंसान क्या क्या नहीं कर लेता, और वो लहंगा वो बस बेचारी एक ही दिन के लिए पहनेगी, दोबारा जिंदगी में काम नहीं आने वाला है वो लहंगा। एंड सी, इट्स वेरी सिंपल, हम चाहते थे कि हमारी बहू हमारे दिए हुए 2 जोड़े में घर आए। छोटी सी और सिंपल सी बात है ये। सिंपल? तुम्हारे साथ कोई चीज सिंपल हो ही नहीं सकती। इसी तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बस हमेशा ये प्रूफ करना चाहती हो कि तुम सही हो और बाकी सब गलत। I mean, what the hell is this यार? एक आउटफिट के लिए इतना बड़ा इशू बनाना, I just don't get this। शगुन, 15 लाख रुपए मेरा पति भी अफोर्ड कर सकता है। रमन भी 15 लाख रुपए का लहंगा ले सकते थे आलिया के लिए। यहाँ एक छोटी सी बात है कि हमारी फैमिलीज जुड़ने जा रही हैं, दो फैमिलीज के बीच में झूठ आना ही नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा क्या? और ये सब बातें हमारे बीच में डिस्कस होनी चाहिए। अगर हर कोई अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगेगा तो क्या क्या हो जाएगा? आसमान टूट पड़ेगा। हमें तो गॉड से, मुझे एक आउटफिट पसंद आया, मैंने अपनी बेटी के लिए वो खरीद लिया, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मनी और मैंने भी पहले डिस्कस किया था कि हमें ज्यादा ओवरस्पेंड नहीं करना है, पर आई फेल इन लव विद इट यार, और मैंने खुद के पैसे दिए। तुम्हें ना हर चीज में बस अपनी ही चलानी। पहले कहा कि सिंपल वेडिंग चाहिए तो सबने मान लिया सिंपल वेडिंग, फिर मुझे एक वेडिंग कार्ड पसंद आया उसे भी तुमने रिजेक्ट कर दिया, अब मुझे अपनी बेटी के लिए एक लहंगा पसंद आया उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम हमेशा ऐसे करती हो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई वुड यू डू दैट? शगुन शगुन, काम डाउन प्लीज। नहीं, व्हाट काम डाउन? हमेशा इसकी चलती है कि नहीं? यू नो व्हाट, मेरी काफी इंसल्ट हो गई, अब मुझे एक सेकंड के लिए भी यहां नहीं रुकना।
को रुकना है, रुक सकता है। शगुन तुम्हें क्या हो? मम्मा, मम्मा। चांद के बदले में चांद तो सिंदूर के बदले में सिंदूर। तुझे रोशनी के साथ शादी करनी होगी। ये फैसला तेरा है, बोल दू अपने आदमियों को कि मार दे तेरे मामा को गोली। अगर अपने माँ बाप और परिवार की सलामती चाहता है ना तू, तो इज्जत से विदाई करा ले और घर चला जा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।